Hello everyone, welcome back to my channel. तो आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे ब्लॉग पे क्या चल रहा है। तो ये है हम लोगों का गार्डन। अब हम यहाँ पे वो मिर्ची का चारा डालेंगे, तो इसलिए मेरा हस्बैंड अभी यहाँ पे जो सब मिट्टी है इसको वो मशीन से मिट्टी खोद देंगे। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे वो मिर्ची का जो छोटा छोटा प्लांट होता है वो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। तो अभी जस्ट स्टार्टिंग है, मतलब आज से हम लोगों ने स्टार्ट किया, तो बहुत सारा करना अभी बाकी है। आज सिर्फ पहला स्टेप होगा, उसके बाद और दूसरा साइड पे फिर से ये ऐसे करेंगे। तो अभी आधा हो चुका है, तो गॉडेक्स भी देखो यहाँ पे बैठा है, तो देख सकते हो आप लोग, मतलब पूरा नहीं हुआ है, हाफ हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे भी हम लोगों ने बहुत सारा प्लांट लगाया हुआ है, हम लोगों में बात भी दिखाऊँगी। तो काम चल रहा है, तो पूरा नहीं हुआ, ये सब पूरा हो जाएगा। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, आप लोग देखते रहिएगा, मैं आप लोगों को दिखाती रहूंगी ये काम कितना, मतलब प्रोसेस कितना तक हुआ है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी आगे। ओ माँ विक्टोरिया आई की तकाई है ना, ओ माय ओ mana belah sana Rolex। अभी हम लोग निकल चुके हैं घर से, अभी हम लोग जाएंगे बाजार पे, बस थोड़ा सा कुछ सामान लेना था, इसलिए हम लोग अभी निकल चुके हैं घर से। तो ये है रास्ता, तो गांव का रास्ता है, तो इधर कोई स्ट्रीट लाइट वगैरह नहीं है, तो वो अंधेरा है, बट स्कूटी के लाइट से ही रास्ता दिखाई देता है। तो निकल चुके हैं हम फाइनल, अभी जाएंगे हम पहले याखराई बाजार में और उसके बाद जाएंगे हम लोग कल्याणपुर बाजार में। घर पे आ चुके हैं हम लोग, अभी हम लोग कुछ स्पेशल आज बना के खाने वाले हैं, तो मैं आप लोगों को अभी नहीं बताऊंगी, आप लोग मेरे वीडियो को पे देख के पता चल जाएगा कि हम आज नया क्या ट्राई करने वाले हैं। तो मैं ये सब रेडी करूँगी, मतलब प्याज लहसुन अदरक ये सब मैं रेडी करूँगी, और बाकी का सब कुछ मेरे हस्बैंड और मम्मी जी रेडी कर रहे हैं, तो मैं भी स्टार्ट करती हूँ अभी। अभी हम लोग यहाँ से पुदीना लेके जाएंगे, ये भी हमारा घर का पुदीना ही है, हम लोगों ने लगाया था यहाँ पर, हम लोगों ने मतलब मेरा हस्बैंड ने लगाया था, क्योंकि हम लोगों को पुदीना बहुत पसंद है, पुदीना का खुशबू मुझे इतना अच्छा लगता है। तो हम लोग देख सकते हो बहुत अच्छा अच्छा पुदीना है, तो साथ में रोलेक्स भी है, हम लोगों को कंपनी देने के लिए रोलेक्स भी बैठे हैं। तो मेरा पति वो पुदीना ले गए हैं, तो मैं उसको मोबाइल का टॉर्च ला दिखा रही हूँ, तो बहुत सारा पुदीना लेके जाएंगे अभी। आप लोगों को मैं चीज़ दिखाती हूँ, ये देखो मेंढक, छोटा सा मेंढक। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये है फ्लावर्स, बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं, बट अभी रात है इसलिए अच्छे से दिखाई नहीं देगा। तो हम लोग यहाँ पर धनिया भी लगाएंगे अभी, वो देखो रोलेक्स अभी वो भी करके अंदर चला गया। तो ये पानी लेके अभी हम लोग अंदर घर के अंदर जा रहे हैं। अभी हम लोग करी पत्ता लेने के लिए जा रहे हैं, तो आप लोग देखिएगा। हाँ तो टैंक थाड़ लिया यहाँ तीन मशीन है। और खड़ी करो, क्यों खड़ी? नहीं। खड़ी करो बहुत खड़ी। माँ तू बकासे लूक संकंगा। खड़ी करो itu black pada pelan. Oh. Ini यहां पे है एकदम फ्रेश फ्रेश करी पत्ता का पेड़, मतलब छोटा सा इतना भी बड़ा नहीं है, तो हम लोग देख सकते हैं। तो इधर है तालाब हम लोगों का, और मैं कुछ करी पत्ता लेके जाती हूँ, तो ले ही लिया मैंने, ये देखिए बस इतना ही काफ़ी है। अब फिर से मैं इधर से पार होके जाऊंगी।
अभी नेक्स्ट बारी है टमाटर लेने के लिए। अभी हम लोग जा रहे हैं टमाटर लेने के लिए। Kau cakap mana? Tua suka. Pas beri. Wah ini sahaja untuk tengok sih. Rocky Buri. Bas, mohon kan susah. Rocky Buri. Kamu sih ngomong no? Sudah. Ya udah sas kali. Foto lu isi sas nak kan? Matong. Tuan ni. Kamu kasih naik. चलो मैं आप लोगों को बताने देती हूँ कि आज हम लोग क्या बनाने वाले हैं। तो आज हम लोग बनाएंगे पोर्क बिरयानी, क्योंकि कभी नहीं सुना है पोर्क बिरयानी, तो फिर मैं एक ट्राई करके दे रही थी। तो ये है पोर्क का सब्जी जो मॉम बना रही है। तो ये है पोर्क, प्याज काट के रखा है, आलू पुदीना सब बना के रखा है। तो यहाँ पे है करी पत्ता जो हम मैंने तोड़ के लाया था। तो ये है टमाटर, वो सब रेडी है, पुदीना भी रेडी है। तो ये बासमती राइस, देखिए बासमती राइस ये हमने ला के रखा है। तो ये पुदीना, टमाटर, करी पत्ता। तो फाइनली अभी टाइम हो चुका है पानी में राइस डालने का। तो जब भी पानी में उबाल आना स्टार्ट होता है तब जाके हम लोगों को राइस डालना होता है। पोहर भी हमने काट के पीस करके अच्छे से धो के रख दिया है। ये आलू भी काट के रख दिया है, प्याज और मसाला को भी हमने पेस्ट करके सब ऑलरेडी रेडी करके रख चुके हैं। तो पोहर का पीस दिखाते हैं। पोहर का पीस हम लोगों ने बड़ा बड़ा करके काट के रखा है। तो चावल हम लोगों ने निकाल लिया है। तो चावल को पूरा 100% कुक नहीं करना है, चावल को सिर्फ 60-70% कुक करना है। अभी हम लोग रेडी करेंगे पोहर का करी। तो गरम तेल में हम लोग अभी प्याज डालेंगे, प्याज डालकर प्याज फ्राई करेंगे। तो ये है बटर, बटर क्योंकि हम लोग ने फ्रिज पे रखा था तो अभी तक मेल्ट नहीं हुआ है, उसके बाद डालेंगे। अभी हम लोग फिर से प्याज फ्राई करेंगे। जो पहले का प्याज फ्राई किया था वो हम लोगों ने निकाल के रखा है। तो ये है जो पहला प्याज फ्राई किया था हम लोग ने। तो अभी ये प्याज फ्राई हम लोग करी के लिए बना रहे हैं, तो गोल्डन ब्राउन होने तक रखेंगे। तो ये बटर भी अभी तक मेल्ट नहीं हुआ। अभी मैंने हाफ टमाटर काट लिया है और अभी और एक बाकी है। तो मैं और एक टमाटर अभी काट के पीस करके मैं भी रख देती हूँ। अभी हम लोग यहाँ पे डालेंगे बटर, बटर भी मेल्ट हो चुका है, प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अभी हम लोग डालेंगे यहाँ पे हम लोगों ने जो मसाला का पेस्ट बना के रखा था, तो अभी ये मसाला का पेस्ट भी हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। मसाला फ्राई होने के बाद हम लोग यहाँ पे ड्राई चिली डाल दिया है, तो सॉल्ट भी थोड़ा सा डाल दिया है।
Yang khar, yang khar. Yang khar, yang khar. Hala. अच्छा आप लोग को हम लोग दिखाते हैं एक नया आइडिया जो है मेरा हस्बैंड का आइडिया, जो फटा हुआ अंडा को कैसे हम लोग पकाते हैं। तो उसको पकने में 1 मिनट 45 सेकंड लग गए थे, तो फिर भी मैं वीडियो एडिट करते वक्त उसको थोड़ा शॉर्ट करके दे दिया है। तो आप लोग देखते रहिए, मुझे तो बहुत डर लग रहा था क्योंकि कहीं फट ना जाए। तो सब ख़त्म होने के बाद अभी है लास्ट प्रोसेस। तो अभी लास्ट प्रोसेस है, तो हम लोगों ने जो करी है, पोर्क करी को हम लोग पे नीचे रखना है। उसको नीचे रखने के बाद जो चावल है जो हम लोग ने 60-70% पकाया था, अभी उसके ऊपर डालेंगे, मतलब वो जो करी है करी के ऊपर डालेंगे अच्छे से। उसको हाफ डालना, सब नहीं डालना है, सिर्फ हाफ डालना है। डालने के बाद हम लोग फिर से उसके ऊपर हम लोग जो करी है करी को उसके ऊपर डालेंगे। डालने के बाद अभी फिर से हम लोग चावल डालेंगे। अभी थोड़ा खुशबू के लिए हम लोग उसके ऊपर डाल देंगे घी। घी डालने से ये, क्योंकि घी का खुशबू बहुत अच्छा आता है। अभी लास्ट पे हम लोग डालेंगे वो जो फ्राई किया हुआ प्याज, हम लोग उसके ऊपर डालेंगे डेकोरेशन, मतलब सुंदर दिखने के लिए कि भी, खुशबू के लिए भी। तो हम लोग ने यहाँ पे डाल दिया है करी पत्ता, पुदीना। अभी अदरक को आपके अंदर डालेंगे। यहाँ पे मैं सब्ज़ी लेके जाऊँगी, ये है वो पोर्क का सब्ज़ी जो बनाया था। तो ये पोर्क का सब्ज़ी हम लोग ऊपर लेके जाएँ क्योंकि आज हम लोग ऊपर रूम पे ही खाना खाने वाले हैं। अभी मैं रूम पे आ चुकी हूँ। रूम पे आके मैं फ्रेश होके अभी हम लोग टीवी देखेंगे, मतलब मूवी देखते देखते बिरयानी भी खाएंगे। तो राइस कुकर भी हम लोग ऊपर लेके आ गए हैं। तो ये सब्ज़ी हम लोग प्लेट वगैरह सब रूम पे लेके आ चुके हैं, अभी स्टार्ट करेंगे। अंडा बिरयानी भी रेडी हो चुका है, तो हम लोगों ने प्लेट भी ले लिया है। तो हम आज हम कोक के साथ हम लोगों का बिरयानी हम लोग एंजॉय करेंगे।